इमेजिन ईटिंग दिस होल बोल ऑफ राइस विद द चॉपस्टिक्स. मतलब मेरे ऐसे इंसान को तो 1.5 घंटा लग जाए. फॉर्चुनेटली साउथ कोरिया में चावल चम्मच से खाते. सो वी गोना मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग राइस रेसिपी कॉल्ड बिबिम्बाप विच यू कैन ईट विद अ स्पून. बिबिम्बाप की कहानी कुछ ऐसी है कि बिबिम मतलब मिक्स्ड और बाप मतलब चावल यानी कि राइस. तो एक तरफ जहां आलू को पापा कहा जाता है साउथ अमेरिका में, वहां साउथ कोरिया और कोरियाज में चावल को बाप कहा जाता है. पैन में डालते हैं ऑयल. सो शिताके मशरूम्स कुछ ऐसे होते हैं. इनको हमने पानी में सोक किया है ओवरनाइट और उसके बाद बॉयल किया हुआ है. जब आप इनको बॉयल करते हैं तो हल्का सा नमक डालें, हल्का सा सिरका डालें और बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस डालें. एंड ऑलवेज रिमेंबर पुट देम ऑन अ रियली हाई फ्लेम. लेट्स ऐड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, सेसमी सीड्स, सोया and let's toss them up. काली मिर्च. तो मिक्स राइस का एलिमेंट नंबर 1 तैयार है, मशरूम्स टॉस्ड इन सेसमी. नाइस. लेट्स पुट ऑयल अगेन, सम गार्लिक. देयर गोज द गार्लिक, स्पिनच. बस टच ऑफ शोयू. नाइस. थोड़ा सा ब्राउन शुगर. तो भाई पुराने टाइम में क्या होता था, जब घर की औरतें इकट्ठी होती थीं तो वो सारी चीजें जो बच जाती थी उनको अच्छे से फ्लेवरफुल सॉसेस में टॉस कर लिया जाता था और चावल के साथ रखकर एक एक थाली बना दी जाती थी. एंड दैट थाली इज बिबिम्बाप. और उस बची हुई चीजों की जो थाली है उसका ऐसा क्रेज है ना दुनिया में कि मतलब आई वॉज इन द US एंड इट वॉज मैडनेस. देयर वर रेस्टोरेंट्स बेस्ड ओनली ऑन बिबिम्बाप. ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक द सॉस. इस पूरी डिश की जान है ये सॉस. सो वी पुट वाटर, वी पुट सोय, थोड़ा जिंजर, थोड़ा सा ब्राउन शुगर. And now the magic ingredient, gochujang. कभी भी अगर आप कोरिया जाते हैं, किसी कोरियन स्टोर में जाते हैं, ये जरूर लेके आइए. It's the base of all Korean food. Let's add a little bit of it here. देखिए कुछ चीजें ऐसी ना जिनके लिए खड़ा होकर सल्यूट करना चाहिए, जैसे बंगाल की इलिश, लखनऊ का गलौटी कबाब और कोरिया का ये gochujang. All right, the sauce is ready. Romance hai was. Is sauce mein romance. All right, chaliye. And now the main protein of the dish. Hamare bibimbap yani mixed rice ka main protein. पहले अच्छे से डीग्लेज कर लेते हैं कढ़ाई को. जायका जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए. ये मेरी मॉम ने सिखाया कि ये नहीं कि बार बार आप लेके और कढ़ाई धो रहे हैं फिर आ रहे हैं. एक बार में कितनी सारी चीज़ें एक बर्तन में बन सकती है ना, ये हिंदुस्तान की गृहिणी से सीखिए बस. नहीं टोफू, सोय सॉस, शुगर, ब्राउन शुगर, water to help it braise slowly, minced garlic, sesame oil. So the basic interplay in all these dishes is soy, sesame and that sweet nuttiness of the paste. All right, let's turn the tofu. Nice. Let's deglaze. Perfect. सो ब्रेज टोफू तैयार है, मतलब बिबिम्बाप की हर चीज तैयार है. गैस करते हैं बंद, प्लेटिंग की करते हैं तैयारी. सबसे पहले सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, स्टिकी राइस.
भाई हिंदुस्तान में अचार, कोरिया में किमची, पालक, द सोय गार्लिक स्पिनच, मशरूम्स, टोफू, लेट्स ड्रिजल सम सॉस, और इसी पैन के ऊपर थोड़े से बीन स्प्राउट को ड्रिजल कर लेते हैं। लाइटली टॉस बीन स्प्राउट, ज्यादा कुक नहीं करेंगे। देयर गोज द बीन स्प्राउट। देखिए अब फ्राइड एग तो करेंगे ही, पर अब मुझे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन हो रहा है, तो फ्राइड एग के लिए ना मैं अपने ऑयल को सीवीड फ्लेवर देता हूँ। आई एम गोइंग टू डू अ नोरी फ्लेवर्ड ऑयल फॉर माई फ्राइड एग। दिस इज नोरी, जो जापानीज सीवीड है, आपको कोरियन सीवीड मिलता है उसको यूज करें। देखिए वी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। वन, वी गॉट आवर नोरी सुपर नाइस एंड क्रिस्पी, एंड टू वी गॉट सीवीड फ्लेवर्ड ऑयल। दैट्स अ गुड लुकिंग फ्राइड एग। कुछ चीजें थेरेप्यूटिक होती हैं, कुछ चीजें जो है ना वो एकदम इट्स लाइक स्पा। और फ्राइड एग बनाना भी वैसे ही, ऑमलेट फ्राइड एग बनाने से मुझे बड़ी संतुष्टि शांति मिलती। जब मैं फ्लाइट किचन में काम करता था, मेरे 2 महीने की पनिशमेंट पोस्टिंग, बहुत शरारती शेफ था मैं, तो वहाँ पर एक दिन में मैं कम से कम 5,000 ऑमलेट बनाता था, 1 मिनट में 3। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। थोड़ा सा मिर्च का तड़का तो बनता है बॉस। Some sesame to finish. Now, if you go to South Korea, the menus are sometimes classified by colors. मतलब main course, dessert, soup, ये सब नहीं होता. Yellow, green, red, ऐसे sections होते हैं menu, because हर रंग की एक अहमियत होती है हमारे शरीर के लिए. They say colors are good for our body and for our soul. And bibimbap is one unique and amazing combination that works for our body and for our soul. I'm going to have this for my lunch. You please have a look at the recipe recap. बिबिम्बाप बनाने की विधि। सोक्ड शिटाके मशरूम्स को पानी, शक्कर, विनेगर और नमक में बॉईल करें। वॉक में सेसमी ऑयल और ऑलिव ऑयल गरम करके डालें। मशरूम्स, लहसुन, सफेद तिल, सोय सॉस, काली मिर्च और टॉस करके निकाल लें। पालक के लिए वॉक में डालें तिल का तेल, स्लाइस्ड लहसुन, पालक, सोय सॉस और ब्राउन शुगर डालकर पालक को विल्ट करें। बिबिम्बाप सॉस के लिए वॉक में डालें पानी, सोय सॉस, अदरक, ब्राउन शुगर, गोचुजांग पेस्ट और ये सब डालकर स्टर करें और सॉस को थिक होने दें। वॉक में स्लाइस्ड टोफू, सोय सॉस, ब्राउन शुगर, पानी, लहसुन, तिल का तेल डालकर टोफू को दोनों तरफ से ब्रेज करें। वॉक में बीन स्प्राउट्स को टॉस करें और नोरी शीट्स को फ्राई करें और फ्राइड एग बनाएं। बिबिम्बाप की सर्विंग के लिए प्लेट के बीच में रखें स्टिकी राइस, किमची, सीजन्ड पालक, सीजन्ड मशरूम, ब्रेज्ड टोफू, टॉस्ड बीन स्प्राउट्स, फ्राइड नोरी, फ्राइड एग, गोचुजांग पेस्ट और एंड में सफेद तिल। बिबिम्बाप तैयार है। वेलकम बैक टू द ग्लोबल मेन्यू, वेयर वी कुकिंग साउथ कोरियन फूड, एंड वी आर गोइंग टू बी कुकिंग अ चिकन टीका। जिस तरह चिकन टीके का क्रेज है पूरे हिंदुस्तान में, वैसे ही पूरी दुनिया में कोरियन बारबेक्यू, जिसे बुलगोगी कहा जाता है, उसका क्रेज है। बनाते हैं लैम्ब बुलगोगी। So we have a hot pan and we have some lamb. पहले मैं lamb को करता हूँ slice. जिस तरह हमारे यहाँ तंदूर में सरियों पे लगाकर और meat grill किया जाता है, वैसे ही bulgogi used to be grilled on skewers. और एक बड़ा ही typical marination होता था bulgogi का, जिसमें कि खट्टा मीठा चटपटा flavor होता था और साथ में fruits होते थे. That is what I find really interesting. Fruits जो हम marinate करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि fruits में enzymes होते हैं और वो enzymes meat को tender कर देते हैं, चाहे papaya का papain हो या फिर किसी भी fruit का enzyme हो. And that is the idea of adding fruit to your meat. Bowl में डालते हैं lamb, साथ में डालते हैं बारीक कटा हुआ ginger. तो अगर आप lamb tikka बना रहे हैं तो आप उसके अंदर डालेंगे garlic, थोड़ा नमक, थोड़े से तिल,
थोड़ा सा सोया सॉस। चिली पेस्ट के लिए हम यहाँ पे डालेंगे गोशुजान, जो कि एक बीन पेस्ट है साउथ कोरिया का। इफ यू डोंट हैव दिस, आप राजमा लें, राजमा को पीस लें, पीस के उसके अंदर ईस्ट डालें, ईस्ट डाल के एक घड़े में छोड़ दें फर्मेंट होने के लिए कम से कम 2 दिन। उसके बाद उसके अंदर चिली पेस्ट मिक्स करें, कहीं ना कहीं आपको वो फ्लेवर और टेक्सचर मिल जाएगा जो कि गोशुजान का होता है। लेट्स मिक्स ऑल दिस टुगेदर। और अब इसमें डालेंगे पियर्स। पियर्स के 2 काम है, एक तो मिठास देगा और दूसरा इट विल टेंडराइज द मीट। वी लीव इट फॉर 2 आवर्स फॉर द मीट टू गेट टेंडर एंड फॉर अस टू जस्ट क्रिल इट, ईट इट एंड से आई वॉन्ट टू हैव दिस अगेन। थोड़ा सा सेसमी ऑयल एंड नाउ द मैरिनेटेड लैम। आजकल तो ऐसा होता है ज्यादातर कोरियन रेस्टोरेंट्स में यू आर एक्सपेक्टेड टू बारबेक्यू योरसेल्फ, मतलब एक गरम तवा या हॉट स्टोन ला के रख दिया जाता है और साथ में मैरिनेटेड मीट, और उसके बाद कहा जाता है चलिए शुरू हो जाइए। बट दैट्स ऑल्सो अ फेवरेट पास टाइम नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल बार्स। आप साउथ कोरिया में चले जाएं तो वहां पर लोग बातें कर रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे और साथ में अपना बुलगोगी पका रहे होंगे। कुकिंग योर सेल्फ इज ऑल्सो थेरेप्यूटिक इज़न्ट इट। और यहां मेरे पास है ग्रीन चिली, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा रेड अनियन। नाउ लेट्स फ्लिप द बुलगोगी अराउंड। स्मेल्स गुड, द जिंजर गार्लिक इज कार्मलाइजिंग, और जो नेचुरल शुगर्स हैं पियर की और साथ में ही गोशुजान की, वो नेचुरल शुगर्स भी कार्मलाइज हो रही हैं, टर्निंग आउट टू बी ब्यूटिफुल लवली। नाउ लेट्स पुट सम वेजीज ऑन द साइड, क्योंकि जितना भी इसके अंदर से फैट और फ्लेवर निकलेगा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्लेटिंग के लिए बेस में हम डालेंगे कोरियन स्टिकी राइस, स्प्रेड इट आउट। और आमतौर पर आप अपने लैम को सीधा राइस के ऊपर डाल के खा सकते हैं, हम यहां पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, एक रिचनेस लाएंगे विद चीज। रखते हैं चावल के ऊपर एंड वी विल प्लेस आवर लैम ऑन टॉप ऑफ the cheese and the rice. Carrot और spring onion की garnish जो है वो बहुत traditional bulgogi garnish है। Some chilies, some spring onions, some regular onions, sesame seeds. For me, this dish is one of the best combinations of flavors used in a barbecue. You gotta try the dish. I promise you'll love it as much as I am loving it. For that, you'll have to see the recap. Bulgogi banane ki vidhi. Lamb ko strips mein kaat kar chopped adrak, lehsun, namak, safed dil, soy sauce, gochujang paste aur half kadukas spare ke saath lamb ko 2 ghante ke liye marinate kare. Pan mein til ka tel garam karke dale marinated lamb strips aur cook kare. फिर डालें हरी मिर्च, प्याज, हरा प्याज और कुक करें। बुलगोगी को सर्व करने के लिए स्टिकी राइस पर प्रोसेस्ड चीज स्पून करें। फिर रखें लैम्ब स्ट्रिप्स, स्लाइस्ड गाजर, हरा प्याज और सफेद तिल से बुलगोगी को गार्निश करें। बुलगोगी तैयार है। लेट्स कुक डिजर्ट। सो आई हैव अ स्टीमर ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड लेट मी चॉप सम dried sultanas, pistachios, pine nuts, dried cherries, cashew nuts, almonds and pecan nuts. So, जब इतना सारा मेवा हो और मावा हो तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि हम बना रहे हैं कुछ फेस्टिव, यानी कि कुछ छुट्टियों में त्योहारों में खाया जाने वाला, एंड दैट इज ट्रू। बट हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं याक्सिक, विच इज लाइक अ हनी कैंडी राइस। भाई याक इज हनी और ट्रेडिशनली हनी राइस
के नाम से जाने वाला ये डिजर्ट, जाना जाने वाला ये डिजर्ट 15 जनवरी डे ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पे मनाया जाता है साउथ कोरिया में. एंड देयर इट्स अ मस्ट टू हैव याक्सिक विच इज दिस स्वीट राइस. राइस के बड़े सारे डिजर्ट्स हैं दुनिया में. अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रिमेम्बर, आई रेड समवेयर देयर आर मोर देन 18,000 वैरायटीज ऑफ राइस डिजर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें चावल, चावल का आटा या किसी भी प्रकार का चावल का प्रोडक्ट पड़ता है. लेकिन ऐसा डिजर्ट सिंगापुर में देखा था मैंने, दैट इज द क्लोजेस्ट दैट आई हैव सीन, वेर यू एक्चुअली डबल स्टीम द राइस. वहां पर राइस के बॉल्स बना के उसको स्टीम किया जाता है, मीठे बॉल्स बना के, पीनट बटर और पीनट और हनी डाल के, और यहां पर ढेर सारे नट्स, सोया सॉस और ड्राई फ्रूट डाल के स्टीम करके और फिर उसको केक्स में काटा जाता है. लेट्स टेक सम शुगर एंड मेल्ट इट. Let's put all these nuts in a bowl. Lovely. जुजूब करके एक फ्रूट होता है, छोटा सा डेट, छोटा सा खजूर होता है, लाल रंग का, पिंकिश रेड. आपको चाइना में, कोरिया में, ज्यादातर ओरिएंटल कंट्रीज में मिलेगा. वो इसमें डालना बहुत ज़रूरी है. कहा जाता है कि जब एंटी एजिंग टीज, एंटी एजिंग मेडिसिन बनती हैं पूरे ओरिएंट में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, उसमें जुजूब डालना मस्ट होता है. यहाँ पर भी बिकॉज इट्स रिमेम्बरेंस डे, हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं कोरिया में. सो जुजूब कैन सिग्निफाइज इमोर्टैलिटी हियर. हमारी शुगर हो गई मेल्ट, इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, थोड़ा सोया सॉस. नाउ हियर इज द ट्रिकी पार्ट, द सोया सॉस is added very little. What you add is light soya sauce lein, and soya sauce is added for saltiness. Now desserts mein namak ka hona bahut zaruri hai. Main aksar kehta hu ghar pe agar achhi chai banani hai to ek chutki namak dal dein chai mein, uski wajah se flavors aur enhance ho jayenge. Salt is an integral part of a dessert, aur yahan par jab maine soya sauce padte hue dekha, meri ye theory verify ho gayi. Nice, here we are. So we melt everything. Lovely. To this we add some more sugar, some cinnamon powder, some honey. Bhai, yak is honey. Agar dish ka naam honey pe based hai, to honey to dalna padega. Nice. Lovely. Cinnamon and soy. Another revelation. Cinnamon and soy is working so well here. I could not have imagined. ये डाला राइस और अच्छे से इसको कर दिया मिक्स. Lovely. Here we are. मसलिन क्लॉथ में हम डालते हैं अपना चावल. And now we shall spread it, put it to steam. और अब इसको हम स्टीम करेंगे 15-20 मिनट बाद. इसको निकाल के we'll put it in the fridge, and when we take it out of the fridge, it's ready to cut. ये एक मैंने पहले का बना के रखा हुआ है जो कि तैयार है. Here we are. Lovely. And then we cut. मुझे पता है क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है वो गुड़ वाले चावल लंगर में बनते हैं गुरुद्वारों में, गुड़ के साथ चावल, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, और जब हम लोग घर लाते थे चुरा चुरा के और बच जाते थे शाम को ठंडे होने के बाद खाते थे. इट वॉज द सेम टेक्स्चर, सेम कलर. आप चाहें तो इनको ऐसे ही फ्रीज कर सकते हैं. दे फ्रीज रियली वेल, एंड इन कोरिया दे कीप इट फ्रोजन, और खास मौकों पर ही निकाला जाता है इनको. ये जितनी नोस्टैल्जिया वाली चीज़ें होती हैं, मेमरी वाली, इनकी गार्निश भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, नॉस्टैल्जिया और मेमोरी. तो मैंने बड़ी सारी रंग बिरंगी टॉफ़ी ली और उन टॉफ़ीज़ को कर दिया क्रश. ये हमारी कैंडीड टॉफ़ीज़ की गार्निश. हियर्स टू फूड एंड हियर्स टू फूड मेमोरीज फ्रॉम साउथ कोरिया टू लखनऊ. याक्षिक बनाने की विधि, ड्राई नट्स को चॉप करके बोल में डालें, पैन में हाफ ब्राउन शुगर, पानी, सोय सॉस को कुक करें, सॉस को पैन से निकाल कर उसमें डालें बाकी ब्राउन शुगर, दालचीनी पाउडर, हनी, स्टिकी राइस और मिक्स करें. मसलिन क्लॉथ पर राइस मिक्स को फैलाकर 15 मिनट के लिए स्टीम करें, फिर रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए चिल करें. याक्षिक के क्यूब्स काटकर क्रश्ड शुगर कैंडी के साथ सर्व करें. याक्षिक तैयार है.